हेलो दोस्तों, टेकवर्ल्ड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुए सुपर मारियो रन का एक रिव्यू वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो का आप देखते रहिए। तो जैसे हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो सामने ही हमें सुपर मारियो रन का ऑप्शन मिल जाएगा और हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। इसकी फाइल साइज़ के बारे में मैं बताऊँ आपको, तो नीचे की तरफ आपको लगभग इसमें 59.53 MB की एक फाइल साइज़ देखने को मिल जाएगी और इसमें इन ऐप परचेजेस 800 रुपये पर आइटम लिखा गया है। बाकी ये गेम फ्री है लेकिन इन ऐप परचेजेस इसमें भी है। तो इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपका इसका रिव्यू दे देता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सुपर मारियो रन जो गेम है वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है और मैं इसे फर्स्ट टाइम रन करता हूँ। तो निंटेंडो लिखा हुआ है सुपर मारियो रन एनिमेशन के साथ। देखते हैं इसको लोड होने में टोटल कितना टाइम लगता है और क्या ये डाटा स्टार्टिंग में कुछ डाउनलोड करता है। टैप टू बिगिन। उसके बाद ये कंट्री सेलेक्ट करने को बोलता है तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद ये आपको निंटेंडो का अकाउंट लिंक करने के लिए देता है। चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसका अकाउंट लिंक करने से आपको ये फायदा होगा, अगर आप कभी भी इस गेम को खेलते हैं तो आपका जो यूज़र डाटा है पुराना वो इसमें फिर से आ जाएगा और आपकी जो स्टेजेस वगैरह हैं वो रिकवर हो जाएगी। तो मैं इसमें लिंक कर देता हूँ। लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ब्राउज़र ओपन हो जाता है और निंटेंडो अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने अपना अकाउंट पहले से बना के रखा है तो मैं इसे यूज़ दिस अकाउंट कर लेता हूँ। आप चाहें तो फेसबुक, गूगल, किसी भी तरीके से अपना अकाउंट इसमें निंटेंडो पर बना सकते हैं। और जैसे ही आप देख रहे हैं कि जो मैं अकाउंट लिंक कर रहा हूँ तो ये लिंक हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ आ गया यूज़र डाटा रिट्रीव्ड फ्रॉम लिंक्ड निंटेंडो अकाउंट। टैप टू बिगिन। एनिमेशन काफी अच्छा लग रहा है अभी देखने में। एग्री करना है इसे हम। उसके बाद ये कुछ डाटा डाउनलोड करता है। दोस्तों, मैंने इसको एक बार पहले खेला है तो इसमें स्टार्टिंग में एक ट्यूटोरियल गेम प्ले आता है, यानी कि ट्यूटोरियल लेवल आता है। तो उसके लिए कोई भी डाटा डाउनलोड नहीं होता है। जैसे वो ट्यूटोरियल लेवल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये पूरा डाटा डाउनलोड करता है। देख सकते हैं आपकी ये डाटा डाउनलोड कर रहा है इंटरनेट के थ्रू। तो इसमें भी 59 या 60 MB के प्लस आपको कुछ डाटा डाउनलोड होएगा गेम में, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं नीचे इसमें कुछ हिंट्स भी बताए गए हैं, अलग अलग तरह के हिंट्स बताए गए हैं। इसकी मदद से आप अपने गेम प्ले को अच्छा कर सकते हैं आप चाहें तो। जो डाटा डाउनलोड है वो कितना है वो तो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। मैं सेटिंग्स में जाकर आपको चेक करके बता दूंगा कि लगभग कितना डाटा इसमें डाउनलोड होता है। दोस्तों, ये काफ़ी अवेटेड गेम है मारियो रन। काफ़ी टाइम पहले iOS पे आ चुका था, एंड्रॉयड पे कब से प्री रजिस्टर किया हुआ था। उसके बाद ये 23 मार्च को कल ही एंड्रॉयड पर लॉन्च हुआ है। तो देखते हैं इसका गेम प्ले किस तरह का है। अब देख सकते हैं कुछ विंडो आ रही है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ रहा है कि जो भी इसकी स्टोरीज थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर टूर का ऑप्शन मिल रहा है, उसके अलावा यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन भी मिल रहा है। पहले हम टूर पे क्लिक कर देते हैं। फिर वो स्टोरी इसमें चलती रहती है बीच बीच में। उसके बाद नीचे हमें बैक का ऑप्शन दिख रहा है, चाहे तो हम बैक जा सकते हैं। उसके अलावा एक ये स्टेज का ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट स्टेज का वर्ल्ड 1-1। उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का गेम प्ले आपको इसमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये पोर्ट्रेट मोड में ही काम करेगा, इसमें आपको लैंडस्केप मोड की ज़रूरत नहीं है। और ये 100 गेम है, काम कर सकते हैं आप इसमें। और जो रनिंग है वो ऑटोमेटिकली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो ये माइनर जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं इसके, वो ये ऑटोमेटिकली क्लियर कर लेता है। उसके लिए आपको खुद को फिंगर से इसे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बड़े जंप के लिए कोशिश करनी पड़ती है जंप करने के लिए, बड़े अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं। तो काफ़ी सिंपल मतलब इसका गेम प्ले लग रहा है और ग्राफिक्स तो बहुत ही अच्छे हैं।
क्योंकि हमने जो वीडियो गेम में गेम खेला था उसकी हमें आदत पड़ चुकी है, तो उस हिसाब से ग्राफिक्स काफ़ी इम्प्रूवड हैं इसमें। उसके अलावा इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टेज है वो क्लियर हो चुकी है, और जो भी उसके एनिमेशन आ रहे हैं वो लगभग वीडियो गेम के मिलते जुलते हैं, बस ग्राफिक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेज में क्या आता है। जैसा कि हमें डार्क स्टेज आती थी सेकंड, पहले हम खेलते थे, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। बीच बीच में आपको स्टोरी के बारे में पता भी लगता रहेगा। आप देख सकते हैं दूसरा एक रैली का ऑप्शन भी मिल गया है इसमें, तो ये रैली में जाने को बोल रहा है, तो हम रैली में चले जाते हैं। इसमें आप अपने अपोनेंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ इनमें कंपटीशन कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि इनके पास 100 निंटेंडो वगैरह ये सब दिया गया है, 100, 42, 33 ये सब पॉइंट्स वगैरह बताए गए हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं 100 पे, देखते हैं, और ये हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं ये 1-to-1 गेम है हो जाता है यहाँ पर मोड चेंज होकर, टॉड रैली इसका नाम है। आप देख सकते हैं इसमें जो मल्टीप्लेयर गेम चल रहा है एक तरह से, सेकंड प्लेयर भी आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं मैंने अभी यहाँ जंप नहीं किया था, फिर भी ये जंप हो गया था, क्योंकि माइनर ऑब्स्टेकल्स ही ऑटोमेटिकली जंप कर लेता है, इसलिए ये वन पे, इसलिए 100 गेम भी कहा जा रहा है। इसमें जब आप जंप करते हैं तो एक और बार टच करेंगे तो जो इसकी जंप की लेंथ है वो बढ़ जाती है, साथ में ये कुछ अलग आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ अलग एनिमेशन या अलग ट्रिक्स भी करता है। आपने देखा ये मैंने जो किया अभी आपको, कि जब आपको दो सामने वॉल दिख जाती है तो आप एक वॉल की तरफ कूदेंगे तो उस वॉल से टकरा कर दूसरी तरफ आता है, तो अगर आपको दो वॉल के अंदर एक ऊपर चढ़ना होता है तो आप पहले एक साइड से चढ़ेंगे, दूसरी तरफ से टकरा के दूसरी वॉल पर जाएगा, इस तरह कंटिन्यूसली आप ऊपर जाकर चढ़ पाएंगे। फिनिश अब देख सकते हैं हो गई है स्टेज ये भी, तो ये काफ़ी अच्छा गेम लग रहा है। टूर का जो मोड है वो भी अच्छा है और ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं। गेम प्ले बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें आपको ओनली 100 यूज़ करना है और जो गेम है वो आपको लैंडस्केप मोड में नहीं खेलना है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इस गेम के रूप में, काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन है ये। ये लोड हो रहा है, ओके। इसमें देख सकते हैं आप दोनों जो यूज़र्स हैं उनके पॉइंट्स कैलकुलेट हो रहे हैं और कंपेयर हो रहे हैं कि किसको कितने पॉइंट्स मिले हैं। और आप देख सकते हैं जो मैं यूज़र हूँ विक्की नाम से, वो मैं इसमें विन कर चुका हूँ 171 vs 118। मिशन क्लियर यहाँ पर आ रहा है इसमें। दोस्तों यही इसका मेन मेन्यू है, आप देख सकते हैं जो भी टूर्स या इसमें 1-to-1 बैटल्स हैं वो सब यहाँ पर ही दिए गए हैं। फिर यहाँ पर एक बिल्ड का ऑप्शन है जिसमें आप अपना घर बना सकते हैं अलग अलग तरीके से, इसमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, शॉप प्लेस वगैरह बना सकते हैं। आप जैसे शॉप में जाएंगे तो कुछ और ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों ये अभी गेम स्टार्ट हुआ है इसलिए हर चीज़ का ट्यूटोरियल दे रहा है कि आपको किस तरह से क्या करना है इसमें। दोस्तों अब आप देख सकते हैं जो गेम प्ले है वो तो मैंने बता ही दिया है, मैं इसका एक बार आपको डाटा बता देता हूँ कि इसने कितना डाटा डाउनलोड किया है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा तो आपको कितना MB इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी।
तो आप देख सकते हैं दोस्तों 232 MB का गेम हो चुका है ये। तो आप मान लीजिए कि लगभग 200 MB ये फिर से डाउनलोड करता है, और हो सकता है कुछ अगले स्टेजेस में कुछ और भी डाउनलोड करे डाटा। तो ये गेम कोई छोटा गेम नहीं है, लेकिन जो हाई एंड प्रोसेसर्स नहीं है उसमें भी आसानी से चल जाएगा गेम एंड्रॉयड फ़ोन्स पे, लगभग सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स पे जिसमें आपको 1.5 GB से ज़्यादा रैम मिलती है लगभग आसानी से चल जाएगा बिना कोई लैग के। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सिंपलिस्टिक गेम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए सुपर मारियो रन का एक ट्यूटोरियल और रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।